लेट अस स्टार्ट विद न्यू एसे एसे 240। इसका नाम ही देखो, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, नाम पूरा आता तो ही लिखना, गलत वलत लिखना नहीं। फ्रॉड 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 ऐसे ऐसे 240 फ्रॉड मत लिखना, पूरा आता है नाम तो लिखना, वरना सिर्फ नंबर देना एस पर ऐसे 240। ठीक है, अभी तुम ही सोचो, तुमको अलग नाम से बुलाया तो गुस्सा आता है कि नहीं? अरे आता है ना, मेरे को नहीं आता है, बट तुमको आता है कि नहीं? अभी फ्रॉड मतलब क्या? इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज, गलत तरीके से फायदा उठा रहे हो। ठीक है, इंटेंशनली, इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज। अभी एक क्वेश्चन है, राइट एनी फाइव सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कौन से ऐसे इवेंट्स है या सर्कमस्टेंसेस है जो फ्रॉड के संकेत करते, क्या फ्रॉड का संकेत करते हैं? तो कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, इंक्लूडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दैट अपियर टू हैव बीन अल्टर्ड, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन आइटम ऑन रिकन्सिलेशन, अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड कन्फर्मेशन रिप्लाइज, लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, मिसिंग और नॉन एग्जिस्टिंग कैंसल चेक, सॉरी, मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स, अनअवेलेबल और मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, तो मिस यू लव यू याद रखना, ठीक है, मतलब क्या? मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर मिसिंग नॉन एग्जिस्टेंस कैंसल चेक, मिसिंग इन्वेंट्री, फिर लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन आइटम। ठीक है, ये पांच कोई भी लिख देना, क्या वापस से मिस कर रहे हो एक तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग कैंसल चेक, मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स, एसेट नहीं मिल रहे, चेक नहीं मिल रहे, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, ये मिसिंग हो गया। फिर डॉक्यूमेंट्स को ही अल्टर कर दिया, फिर लव यू से क्या, एल से क्या, लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, फिर यू से क्या है, अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन आइटम्स, या तो अनअवेलेबल यार मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, तो मिस हो रहा है या तो अनयूजुअल कुछ चीज़ें, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। सही है ना भाई, ऑडिटिंग खुद इनहेरेंट लिमिटेशन से सफर कर रहा है, तो भाई कितना भी अच्छा सिस्टम डाल दो, फ्रॉड करने वाला तो करेगा ही। ठीक है, तो करेक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल कैन बी पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, इट मे हेल्प टू रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड बट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। समझा एकदम? तो ये करेक्ट है, देखो करेक्ट वाले इंपॉर्टेंट मार्क करना, बाकी सबके आंसर इनकरेक्ट रहते, दो में से एक मार्क मिल जाएगा, रीजन तो तुम एक्टिव पैसिव करके भी लिख लोगे। ठीक है, करेक्ट वाले ध्यान में रखना आंसर्स। चलो, एज एन ऑडिटर यू केम अक्रॉस मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, ब्रिंग्स इन टू क्वेश्चन योर एबिलिटी टू कंटिन्यू एज टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट, एक्सप्लेन कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। फ्रॉड ऐसा है कि तुमको अभी आगे चल के ऑडिट करने की मन नहीं कर रहा है, ऑडिट करने का मन नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो पहले तुम्हारा प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखोगे, ठीक है, और जिसने तुमको अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट करेगी, किसको, जैसे कि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे, फिर पॉसिबल है अगर विड्रॉ होना तो विड्रॉ हो जाएगी भाई। ठीक है, और अगर इफ ऑडिटर विड्रॉस तो कम्युनिकेट करना चाहिए दो जन को, किसको, मैनेजमेंट को और TCWG को, और अगर कुछ प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 143(12), अगर फ्रॉड में फ्रॉड रहता है तो पता है सीजी को अपॉइंट सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है 60 डेज में। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर अपन कंपनी ऑडिट में पड़ेगा। ठीक है, तो समझा, वापस से एक बार रिवाइज कर रहा था, देखो अभी अपने अपने को कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल क्या है, तो एक काम कर दी, चलो अपन प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट ने DCWG को कम्युनिकेट कर लेते हैं। दूसरा अपन क्या करेंगे, अगर विड्रॉ होना पॉसिबल है तो विड्रॉ हो जाएगी, और अगर विड्रॉ हो रहे तो प्रोफेशनल और रेगुलेटरी अपन देखेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताएंगे। ठीक है, समझा तुमको? वापस प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, फिर
वेदर अप्रोप्रिएट विड्रॉ हो जाएगी, और विड्रॉ आएगी तो मैनेजमेंट को बताएंगे और प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना। थेफ्ट ऑफ एन एंटिटी एसेट ऑफ एन एंटिटीज असेट्स इज ऑफन प्रिपेटेड बाई एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट। ठीक है, एक्सप्लेन वेरियस वेज इट कैन बी अकम्प्लिश। देखो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है ना, दो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस, तो ये क्वेश्चन किसका है पता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का। अभी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अपन कैसे करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, एम्बलिजिंग रिसीव, दूसरा स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और आईपीआर, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव, अरे तुम करते हो ना, यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, ये भी तुम करते हो, प्रिंटर से कितना प्रिंट मारते हो। ये मस्त लगता है, कॉजिंग एन एंटिटी फॉर टू पे फॉर गुड्स नॉट रिसीव। ठीक है, समझा तुमको। होटल का बिल रहता है इधर ऐसा मसाला डोसा 60, ठीक है, फिर तुम इधर 1 लगा दे तो आप चलो, अरे ये सिखा रहे हो कि बता रहे हो, चलो। एम्ब्लिसिंग रिसीव, दूसरा क्या स्टीलिंग फिजिकल एसेट, तीसरा क्या कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव, और यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल, एग्जाम्पल तुम लोग खुद से देख लेना। ठीक है, समझा, वापस कैसे करेंगे मिस अप्रोप्रिएशन एसेट, या तो कैश चुरा के भागेंगे एम्ब्लिसिंग, या तो एसेट चुरा के भागेंगे, जैसे कैडबरी, ठीक है, एक दो ऐसा था, दो तीन जेब में डाल दिया। ठीक है, फिर स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स हो गया, फिर कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स नॉट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव, और यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये भूलना नहीं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड या फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो इसमें आईपीआर, या देखो अपन फ्रॉड करेंगे तो आरआईपी हो जाएगा या आईपीआर, जो याद रहता है लिखना, इंटेंसिव और प्रेशर टू डू कमिट फ्रॉड। ठीक है, प्रेशर है तुमको, मैनेजमेंट बोलता है कि भाई नहीं इतना टारगेट कैसे भी करके अचीव करो, किधर से करेगा, तो फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, परस्यूड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, मौका मिला, ठीक है, और चौका मारा, और रैशनलाइजेशन टू डू सो, मतलब क्या, तुम्हारी नियति वैसी है, क्या है नियति, चोर है, तुम चोर हो। ठीक है, तो आई इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, दूसरा क्या है पी से परस्यूड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, ठीक है, और रैशनलाइजेशन टू डू सो, ये फ्रॉड की बात चल रही है भाई। अभी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, इसमें क्या है कीड़ा करना, क्या कीड़ा करना, ठीक है, मतलब क्या मैनेजमेंट करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अल्टर करेगा, कैसे होएगा, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, फिर इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज कर रहे कुछ भी, फिर चेंजिंग जजमेंट्स टू एस्टिमेट्स अकाउंट बैलेंस। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेटर्स 5% होने चाहिए, तुम 50% कर रहे हो, ओमिटिंग एडवांसिंग और डीलिंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर स्पेशली कट ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब क्या, जान या तो पीछे ढकल रहे हो 31st, या तो पहले ले रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, कट ऑफ एंट्रीज बोलते हैं ना अपन, फिर कंसील कर रहे, छुपा रहे हो, डेट अफेक्ट द अमाउंट डेट इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंगेज इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, और फिर अल्टरिंग रिकॉर्ड रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अपन फ्रॉड कैसे करेंगे, ये मैनेजमेंट है, ठीक है, तो मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा तो बैठ के करेंगे, तो लोग एसी को देखेंगे और फैन को देखेंगे। ठीक है, मतलब फैन की कंपनी का नाम क्या है, रिको, रिको करके एक फैन आते ना, ठीक है, रिको एसी, ऐसा याद रखना। ठीक, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जीवी, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन कुछ भी बोलता है, चेंजिंग जजमेंट चेंज करो, ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग ट्रांजेक्शन, फिर बाद में सी से वापस क्या है कंसीलिंग फैक्ट, क्या कंसीलिंग फैक्ट, फिर एंगेज इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, क्या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, और अल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, वापस एक बार क्या आर से क्या आएगा, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जीवी, फिर इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन, फिर बाद में सी से क्या आएगा चेंजिंग जजमेंट, फिर ओ से ओमिटिंग एडवांसिंग और डीलिंग, फिर कंसीलिंग फैक्ट्स
एंगेज इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन और अल्टरिंग रिकॉर्ड रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये एफ एफ आर था और वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स था। और इसको क्या बोलते हैं, अपन मिस स्टेटमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, अगर क्वेश्चन में पेपर में आया कि मिस स्टेटमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, तो क्या लिखोगे? दोनों लिखोगे, एफ एफ आर और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। जनरली ये आने का संभावना ज़्यादा है। पूछो क्यों? अरे पूछो तो अंदर से पूछो क्यों, क्योंकि ऊपर वाला आ गया ना, ये नहीं आया तुम लोग, तो ये आने का चांसेस है। एज एन ऑडिटर ऑफ एक्स वाई जेड बैंक लिमिटेड, हाउ वुड यू असेस फ्रॉड रिस्क, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ऐसे 240, क्या बोलते हैं, ऐसे 240, ये नाम लिखना बड़ा सा। द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑप्टेन। देख पहले तो रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर ऑप्टेन करना है ऐसे ये, और रिस्पॉन्ड करना है। क्या करना है? रिस्पॉन्ड। तो आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड बीच में क्या है, ऑप्टेन ऐसे ये। ठीक है, फिर अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है भाई। पीएमएल का मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का है और बैंक है, तो आरबीआई सेक्शन 12 पढ़ा है, फाइनल वालों ने पढ़ा रहेगा सेक्शन 12 ऑफ पीएमएल। ये क्या बैंकिंग कंपनी को क्या बोलते हैं, कुछ कंपल्शन डालते कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ तो हमको रिपोर्ट करना, ये हुआ तो रिपोर्ट करना। तो आरबीआई हैज फ्रेम्ड सर्टन केवाईसी केवाईसी नॉर्म्स, ठीक है, रिक्वायरिंग बैंक्स टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो एक्सप्लेन थ्री वेज, ये भी कॉमेडी आंसर है, थ्री वेज वेर कैश रिसिप्ट आर सप्रेस्ड। ठीक है, कैश छुपा रहे हो तुम लोग, ठीक है, ये तो तुम्हारा फेवरेट टीमिंग एंड लीडिंग आता है कि नहीं सबको? क्या होता है, डेटर्स है, समझो क्या है, डेटर्स 100 डेटर्स है, 1 to 100। ठीक है, सबसे समझो 600 600 रुपया आने वाला है, 6 रुपीज इन करोड़। ठीक है, 600 600 रुपया आने वाला है, ठीक है, इसका 1 महीने बाद, इसका 2 महीने। अभी जब भी ये पैसा देगा तो ये तुम चोरी कर लोगे, दूसरा वाला पार्टी देगा तो इधर घुमा दोगे, तीसरा देगा दूसरे में, ये देगा इधर, ऐसा चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक तुम ना पकड़े जाओ या तो तुम वापस पैसा ना डाल दो सिस्टम में। ठीक है, तो ये क्या है, टीमिंग एंड लीडिंग। फिर एडजस्टिंग और अनऑथराइज फिक्टिशियस रिबेट्स अलाउंस डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिखा रहे हो तुम लोग, दिया एक्चुअल में कस्टमर को कितना, 5%, 15% जेब में। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बोला बैड डेट्स हो गया, पैसा ही नहीं दिया। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश फुल्ली, ठीक है, चलो। फिर नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसिलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, रद्दी बेचने गए थे उसका चाय नाश्ता समोसा कर लिया। ठीक है, राइटिंग डाउन एसेट्स, राइटिंग डाउन एसेट वैल्यू इन एंटायटी। ठीक है, एसेट का वैल्यू ही राइट डाउन करते हैं, बोलते कुछ काम करने, तो क्या क्या करते हैं, एक तो टीमिंग लीडिंग, तीन तो ऐसे हो जाएगा, टीमिंग लीडिंग, फिर फिक्टिशियस डिस्काउंट, और एक वो राइटिंग ऑफ एस बैड डेट्स। फिर वो पैसा तुम चोरी करते हो ना रद्दी बेच के, तो मिसेलेनियस रिसिप्ट का। फिर कैश सेल्स फुल्ली नहीं रिकॉर्ड करते और राइटिंग डाउन करे एसेट वैल्यू का। अभी हाँ, लिस्ट डाउन एनी थ्री सर्कमस्टेंस इंड्यूस द मैनेजमेंट एम्प्लॉय टू द कमिट फ्रॉड। तो ये कौन सा आंसर है पता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो अपन ने पढ़ा ना, ये देखो, इंसेंटिव और प्रेशर, रैशनलाइजेशन टू डू सो, और क्या था, परसिव्ड अपॉर्चुनिटी डू सो, ये लोग ने वही लिखा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय, ठीक है, या लैक ऑफ मोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, नेम गेम करते हो ना तुम लोग, इसने किया इसने किया, और अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, तो थ्री पूछा है अपना, वो कैरेक्टरिस्टिक वाला मस्त। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कौन सा है, अनरियलिस्टिक ग्रोथ, मोटिवेशन लैक कर रहा है, नेम गेम। फिर 150 लाख का फ्रॉड मिला, उसने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट किया, 3 दिन थोड़ी है, 2 दिन है, तो इनकरेक्ट आएगा। चलो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, वेरी गुड। अभी ये क्या है, सी आर इज अ स्टैचुटरी ऑडिटर, LDR है, क्या है, LDR है, ठीक है, सी आर स्टैचुटरी ऑडिटर है, एंड पी इज अ कॉस्ट ऑडिटर, मस्त क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिट में भी वैसे करेंगे। एंगेज इन, इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटर को एक फ्रॉड मिलता है, वो रिपोर्ट कर देता है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट लोग करेक्टिव मतलब सुधार देते हैं। अभी एज एन ऑडिटर अपना ड्यूटी है क्या, रिपोर्ट करना, तो एक चीज कान में ध्यान से सुनना, कान में, ठीक है,
कि भाई अगर फ्रॉड अपने को मिला ना, ऑडिटर को मिला ना फ्रॉड, तो ही ड्यूटी है रिपोर्ट करने का। तुमको ऐसा घुमाएंगे, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल डाला था, उनको फ्रॉड मिल गया, फ्रॉड वॉज ऑफ 2 करोड़, दैट दैट इज इज मोर मोर देन देन वन 1 करोड़। करोड़ ठीक ठीक है, है। तो तो एज एज अ अ ऑडिटर, ऑडिटर इज इज इट इट योर योर ड्यूटी ड्यूटी टू टू रिस्पॉन्ड? रिस्पॉन्ड? नो। नो, तुमको तुमको मिला मिला ना ना फ्रॉड, फ्रॉड, तो तो ही ही तुमको तुमको रिपोर्ट रिपोर्ट करना करना है, है। फोकट फोकट का का क्रेडिट क्रेडिट नहीं नहीं लेने लेने का। का, ठीक ठीक है, है। तो तो तुमने तुमने अगर अगर ढूंढना ढूंढना फ्रॉड फ्रॉड और और 1 करोड़1 करोड़ से से अमाउंट अमाउंट ज्यादा ज्यादा है, है, तो तो ही ही रिपोर्ट रिपोर्ट करना, करना, ध्यान ध्यान में में रखना, रखना, कंपनी कंपनी ऑडिट ऑडिट में में भी भी काम काम आए। है। ठीक ठीक है, है, तो तो इसमें इसमें बोला बोला है है कि कि इसमें इसमें प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म स्केप्टिसिज्म रखना रखना चाहिए, चाहिए, ये ये 143, 12 कॉस्ट 143 ऑडिटर ऑडिटर और और सीएस सीएस पे पे भी भी लागू लागू होते होते हैं। हैं। देख, देख, ये ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। है। यर यर इफ इफ अ अ सब्सेक्टिव सब्सेक्टिव ऑफेंस ऑफेंस ऑफ ऑफ फ्रॉड फ्रॉड हैज हैज ऑलरेडी ऑलरेडी बीन बीन रिपोर्टेड रिपोर्टेड अंडर अंडर 143(12) 143(12) सच सच बाय बाय सच सच अदर अदर पर्सन, पर्सन, द द ऑडिटर ऑडिटर बिकम्स बिकम्स ऑफ ऑफ अवेयर अवेयर ऑफ ऑफ सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड फ्रॉड फ्रॉड इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग फ्रॉड, फ्रॉड, ही ही नीड नीड नॉट नॉट रिपोर्ट रिपोर्ट द द सेम सेम सिंस सिंस ही ही हैज हैज नॉट नॉट आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड द द सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड फ्रॉड। फ्रॉड। ठीक ठीक है, है, चलो, चलो, मैंने मैंने हिंदी हिंदी में में भी भी लिखा लिखा है, है, उसको उसको मिला मिला तो तो ही ही बोलेगा। बोलेगा। ठीक ठीक है, है, समझा समझा एकदम एकदम मस्त मस्त था। था। देखो, देखो, 143(12) 143(12) और और रूल रूल 13 13 है है उसका। उसका। चलो, चलो, अभी अभी करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। मिस अप्रोप्रिएशन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफ एसेट एसेट इज इज अकम्पनीड अकम्पनीड बाय बाय फॉल्स फॉल्स और और मिसलीडिंग, मिसलीडिंग, ठीक ठीक है, है, विथ विथ प्रॉपर प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। नहीं, नहीं, प्रॉपर प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन से से थोड़ी थोड़ी चलते। चलते। तो तो हैज हैज बीन बीन प्लेस प्लेस विदाउट विदाउट प्रॉपर प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। ठीक ठीक है, है, फिर फिर ये ये क्या क्या है, है, द द ऑडिटर ऑडिटर ऑफ ऑफ आरपी आरपी लिमिटेड लिमिटेड हैज हैज आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड फ्रॉड फ्रॉड इन इन हिज हिज ओपिनियन ओपिनियन कॉजेज कॉजेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट पर्सनल पर्सनल इन इन हायर हायर मैनेजमेंट मैनेजमेंट आर आर एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद विद मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ऑफ ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ ऑफ द द कंपनी, कंपनी, बट बट ऑडिटर ऑडिटर हैज हैज नॉट नॉट बीन बीन एबल एबल टू टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड एज एज टू टू वाई वाई दिस दिस टाइप टाइप ऑफ ऑफ फ्रॉड फ्रॉड इज इज जनरली जनरली गाइडिंग गाइडिंग विद विद द द रीजन। रीजन। ठीक ठीक है, है, अभी अभी देखो, देखो, फ्रॉड फ्रॉड का का क्वेश्चन क्वेश्चन आया आया ना, ना, इसमें इसमें क्या क्या बोला बोला है, है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट पर्सन पर्सन मतलब मतलब हायर हायर लेवल लेवल के के बंदे बंदे लोग लोग इन्वॉल्व इन्वॉल्व है। है। अभी अभी इतना इतना ही ही रहता रहता ना, ना, हायर हायर लेवल लेवल के के इन्वॉल्व इन्वॉल्व है, है, और और बताओ बताओ कि कि फ्रॉड फ्रॉड रिस्क रिस्क मतलब मतलब कैसे कैसे अपन अपन करेंगे करेंगे फ्रॉड। फ्रॉड। तो तो तुम तुम लोग लोग फ्रॉडुलेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वाला वाला आंसर आंसर दे। दे। लेकिन लेकिन इन इन लोग लोग ने ने क्या क्या पूछा पूछा है, है, कौन कौन सा सा टाइप टाइप का का वो वो लोग लोग फ्रॉड फ्रॉड करेंगे, करेंगे, तो तो क्या क्या करेंगे, करेंगे, क्यों क्यों करेंगे, करेंगे, मतलब मतलब दिस दिस टाइप टाइप ऑफ ऑफ फ्रॉड फ्रॉड इज इज जनरली जनरली ऐसा ऐसा फ्रॉड फ्रॉड क्यों क्यों करेंगे। करेंगे। तो तो एक एक तो तो इवेंट इवेंट इनकम इनकम टैक्स टैक्स अवॉइड अवॉइड करने करने के के लिए, लिए, फिर फिर डिविडेंड डिविडेंड डिक्लेयर डिक्लेयर करना करना अवॉइड अवॉइड करने करने के के लिए, लिए, फिर फिर डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं नहीं करेंगे करेंगे डिविडेंड डिविडेंड प्रॉफिट प्रॉफिट है है फिर फिर भी, भी, और और हायर हायर रेमुनरेशन रेमुनरेशन के के लिए लिए क्या क्या हायर हायर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन। कभी 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 नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट से से डायरेक्टली डायरेक्टली लिंक लिंक होता होता है है मैनेजर मैनेजर का का रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, तो तो उसके उसके लिए। लिए। ठीक ठीक है, है, तो तो चार्ज चार्ज ये ये क्या क्या है है भाई, भाई, ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे मेरे लिए लिए ना ना समझना समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है। ठीक ठीक है, है, ध्यान ध्यान रखना रखना एफएफएल एफएफएल वाला वाला क्वेश्चन क्वेश्चन है है कि कि ये ये वाला वाला है, है, नहीं नहीं समझा समझा कभी कभी ना ना तुमको तुमको ऑडिट ऑडिट में में ऐसा ऐसा होगा, होगा, दो दो क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा ऐसा सेम 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 लगेगा, लगेगा, क्या क्या करने करने का, का, दोनों दोनों लिख लिख देने देने का, का, कितना कितना टाइम टाइम है, है, और और रेलेवेंट रेलेवेंट ही ही लिखने लिखने का, का, पेज पेज भरना भरना इज इज नॉट नॉट अ अ मोटिव। मोटिव। ठीक ठीक है, है, रेलेवेंट रेलेवेंट जरा जरा भी भी कंफ्यूज कंफ्यूज है है ना, ना, दोनों दोनों लिख लिख देना देना भाई, भाई, क्या क्या फर्क फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, 5 लाइन5 लाइन ही ही जाएगा जाएगा ना, ना, 2 months2 months इज इज बेटर बेटर देन देन 6 months6 months डिले। डिले। चलो, चलो, 2 minutes2 minutes इज इज बेटर बेटर देन देन सिक्स सिक्स मंथ मंथ डिले। डिले। चलो, चलो, समझा, समझा, तो तो दोनों दोनों लिख लिख देने देने का, का, फिर फिर वो वो देखेगा, देखेगा, चलो चलो इसने इसने तो तो पूरा पूरा ऐसे ऐसे ही ही लिख लिख दिया, दिया, जो जो रेलेवेंट रेलेवेंट है है टिक टिक करके करके मार्क्स मार्क्स देते देते हैं। हैं। अभी अभी दिस दिस टाइप टाइप ऑफ ऑफ फ्रॉड फ्रॉड इज इज क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या था था कि कि ये ये फ्रॉड फ्रॉड ये ये हायर हायर मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्यों क्यों करता करता है, है, क्यों क्यों करता करता है है भाई, भाई, इनकम इनकम टैक्स टैक्स अवॉइड अवॉइड करने, करने, डिविडेंड डिविडेंड कट कट ओपन, ओपन, डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग डिविडेंड डिविडेंड के के लिए, लिए, फिर फिर प्रॉफिट प्रॉफिट होते होते हुए हुए भी भी डिविडेंड डिविडेंड नहीं नहीं देना देना है है इसके इसके लिए, लिए, और और हायर हायर रेमुनरेशन। रेमुनरेशन। ठीक ठीक है, है, इसको इसको मैंने मैंने जानबूझ जानबूझ के के टाइम टाइम लगाया। लगाया। ठीक ठीक है, है, प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफ ऑडिटर ऑडिटर इज इज टू टू डिटेक्ट डिटेक्ट फ्रॉड। फ्रॉड। प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई भाई तो तो बच्चा 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 जानता जानता है है प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका किसका है, है, अरे अरे मैनेजमेंट मैनेजमेंट का का है है कि कि नहीं। नहीं। चलो, चलो, द द प्राइमरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज लाइज विद विद बोथ बोथ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एंड टीसीडब्ल्यू टीसीडब्ल्यू जी। जी। ठीक ठीक है, है, ऑडिटर ऑडिटर ने ने सिर्फ सिर्फ रीजनेबल रीजनेबल
क्लॉज क्लॉज 11 11 कैसे कैसे याद याद रखोगे? रखोगे? डॉन डॉन को को 11 11 मुल्कों मुल्कों की की पुलिस पुलिस ठीक ठीक है है सर, सर, 11 11 नंबर नंबर फ्रॉड फ्रॉड का का है, है, याद याद रखना रखना ठीक ठीक है। है। 241, 241, 43, 43, 45 45 और और क्लॉज क्लॉज 11 11 ये ये क्लॉज क्लॉज है है और और ये ये पैरा पैरा थ्री थ्री है है यहाँ। यहाँ। तो तो क्या 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 लिखने लिखने का का कभी? कभी? एक एक मार्क मार्क इधर इधर देगा, देगा, एक एक मार्क मार्क इधर, इधर, एक एक मार्क मार्क इधर, इधर, एक एक मार्क मार्क इधर। इधर। तो तो चार चार में में से से तीन तीन कन्फर्म कन्फर्म और और बीच बीच में में मसाला मसाला लिख लिख देना। देना। ओह ओह माय माय गॉड, गॉड, ये ये क्या क्या हो हो गया? गया? समझा? समझा? अभी अभी ये ये लाइन लाइन बहुत बहुत मस्त मस्त है। है। रिस्क रिस्क एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद विद नॉन नॉन डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल मिस्टेक मिस्टेक में में ड्यू ड्यू टू टू इनहेरेंट 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 लिमिटेशन लिमिटेशन इज इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन ऑन अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल रिस्क रिस्क ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट ड्यू ड्यू टू टू फ्रॉड। फ्रॉड। फिर फिर रिस्क रिस्क ऑफ ऑफ नॉन नॉन डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग मटेरियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉड फ्रॉड इज इज हायर हायर देन देन नॉट नॉट डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग फ्रॉम फ्रॉम एरर एरर ठीक ठीक है। है। फिर फिर रिस्क रिस्क ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट ड्यू ड्यू टू टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट फ्रॉड फ्रॉड इज इज हायर हायर देन देन एम्प्लॉय एम्प्लॉय फ्रॉड फ्रॉड ठीक ठीक है। है। क्या अगर अगर तुम तुम मिसस्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो हो ठीक ठीक है, है, किसके किसके वजह वजह से? से? अनअवॉइडेबल अनअवॉइडेबल रिस्क रिस्क की की वजह वजह से से ड्यू ड्यू टू टू फ्रॉड। फ्रॉड। फिर फिर फ्रॉड फ्रॉड नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो हो एरर एरर ठीक ठीक है। है। फ्रॉड फ्रॉड नहीं नहीं मतलब मतलब ये ये क्या क्या है है मालूम मालूम है? है? फ्रॉड फ्रॉड ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो? हो? नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो हो? एक एक बार बार ठीक ठीक है, है, क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि के के वो वो इंटेंशनल इंटेंशनल एक्ट एक्ट है है वगैरह 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 जानबूझ जानबूझ के के क्या क्या एरर एरर नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो? हो? दिक्कत दिक्कत है है चलो। चलो। फिर फिर मैनेजमेंट मैनेजमेंट फ्रॉड फ्रॉड तुम तुम नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो हो ना ना ठीक ठीक है है चलो, चलो, बड़े बड़े लोगों लोगों ने ने छुपा छुपा है है चूना चूना अलग अलग है है एम्प्लॉय एम्प्लॉय फ्रॉड फ्रॉड नहीं नहीं ढूंढ ढूंढ पा पा रहे रहे हो हो अरे अरे क्या क्या बात बात है है समझा? समझा? तो तो ये ये आंसर आंसर तो तो ये ये तीन तीन लाइन लाइन किधर किधर भी भी काम काम आ आ सकता सकता है है वो वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस में में मेंशन मेंशन करने करने चलो चलो ठीक ठीक है। है। तो तो इधर इधर अपना अपना ऐसे ऐसे 240 240 होता होता है है खत्म। खत्म। ज़्यादा ज़्यादा टाइम टाइम लगा लगा 21 21 मिनट्स मिनट्स बट बट इट इट इज़ इज़ फाइन फाइन वर्थ वर्थ इट इट ठीक ठीक है। है। तो तो दो दो चार चार बार बार ये ये सब सब ऐसे ऐसे से से आप आप सुनना सुनना भाई भाई ऑडिट ऑडिट ईजी ईजी है है बस बस जो जो करा करा रहा रहा हो हो उतना उतना अच्छे अच्छे से से करके करके जाना जाना ठीक ठीक है है चल। चल।